नहीं मिलेंगे. आई मीन मैं केतन की बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अप्स एंड सम वीक हमें देखने को मिल रहा है, एंड उसी के अंदर अगर हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स भी देखेंगे वहां पर भी हमें ये अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली आज के दिन तक के लॉक हुए हुए मिलेंगे मिलेंगे. आई मीन मैं केतन की बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अप्स एंड डाउन्स हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेंगे. सेकंड हाफ में चेंजेस आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पर डिफरेंसेस काफी ज्यादा वियर्ड से हो रखे हैं टीम्स के बीच में. जैसे हम बात करें सिनर्जी आईएनडी के बीच में काफी बड़ा गैप चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बिगट्रॉन आरआरक्यू आई थिंक अपनी पोजिशन जो है स्टेबलाइज कर चुके हैं अभी के लिए. फिर आती है बॉक्स गेमिंग जो वापस से केओजी के अगेंस्ट जो फाइट थी उसमें ऊपर आती हुई तीसरा स्थान ने एक बार फिर से ले लिया, और गैलेक्सी रेसर सेल्स भी टॉप 5 के अंदर दोबारा से आती हुई, और वो कल और ऊपर का एम करेंगे. बिकॉज़ अगर आप देखें तीन चिकन डिनर्स टीम्स को देखिए, आरआरक्यू एथीना है वहां पर, बॉक्स गेमिंग है, सेल्स है जिनके तीन चिकन डिनर्स है, मेगास्टार्स 4 के साथ है, टीएसएम एंटिटी 4 के साथ है, बिगट्रॉन 4 के साथ है, जितनी भी टॉप 10 टीम्स है. अब ये मेटा आप ये समझ लीजिए आपको कम से कम एक चिकन डिनर तो चाहिए चाहिए. किंग ऑफ गेमर्स थी जिसके पास नहीं था, बट हां वो भी एक चिकन डिनर निकाल चुके हैं. सो इन सब टीम्स की बात करें, मेगा और टीम सीक्रेट को देखिए 349-348 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 355 गैलेक्सी वर्सेस सेल्स है ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंस वहां पर किंग ऑफ गेमर्स बनाती है, बट उसको भी कवर अप करने की कोशिश की जाएगी. बट अभी भी किल पॉइंट्स पे एक बार नजर डालिए आरआरक्यू एथीना के 186 किल्स. They are gods for a reason, right? They are the OG champions for a reason. सबसे पहला जो international tournament था तब से RRQ उठी है, तब से ये same team रही है, इस same team ने वो same gameplay दिखाया है, बस अपने तरीके बदले mindset के साथ बस. यहाँ पे स्टैंडिंग में लिटरली बस एक चेंज आया है जो है मॉर्फ टीम और नोवा गॉडलाइक का स्वॉप, और वहां भी एक पॉइंट का बस डिफरेंस चल रहा है. वहां एक पॉइंट का डिफरेंस है, हमें पता है फ्रीस्टाइल और नो चांस टीम यहाँ पर है. तो अभी अगर हम टॉप 16 की बात करें अभी तक, बिकॉज यू लेवल अभी अपने आपको ऊपर लेकर जा रही है, बट 11वें से 12वें पर आई है सिनर्जी, उनके नीचे है टीम आईएनडी और रिजेक्ट स्कारलेट. रिजेक्ट स्कारलेट और सिनर्जी नहीं खेल रहे हैं हफ्ता, तो अब यही चीज आती है कि ये कितना नीचे जाएंगे. द आंसर फॉर नाउ इज ज्यादा नहीं, क्योंकि यू लेवल अप है, जो यू लेवल अप को ऊपर जाना है 183 पॉइंट्स है, 134 पॉइंट्स है यूडो और यू लेवल अप में, तो यू लेवल अप भी ऊपर जाती रहेगी, नीचे से और टीम्स आएंगी, तो इसका मतलब रिजेक्ट स्कारलेट को भी कल एक सेफ क्वेश्चन है, सिनर्जी को बहुत अच्छा सेफ क्वेश्चन है. एग्जैक्टली सेफ्टी क्वेश्चन तो है, बट फिर ये चीज दिक्कतें बनाती है मॉर्फ टीम और नोवा गॉडलाइक, क्योंकि ओके यू लेवल अप आई एक्सपेक्ट देम कि वो 187 तो आराम से क्रॉस कर लेंगे. सेम गोज फॉर यूडो गैंग एज वेल, क्योंकि वहां पे डिफरेंस सिर्फ 4 पॉइंट्स का है. लेकिन जब रिजेक्ट स्कारलेट 16th पोजीशन पर आ जाएगी तब उसका मतलब ये होगा कि अगले 10 गेम के अंदर आपको जो 187